हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ये है संडे का व्लॉग, और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि संडे को मैं गई थी एक ऐसी जगह। वैसे इस जगह तो मैं बहुत बार मैं जा चुकी हूँ, बट आप लोगों को आज ये जगह मैं दिखाना चाहती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। तो बस अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन के चिले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने बेसन के चिले नहीं बनाए थे। और जैसा कि अब तो विंटर्स भी ख़त्म हो गई हैं, तो इस टाइम पे वैसे भी सब्जियां बहुत ही कम आती हैं, तो जो ऑप्शंस होते हैं वो भी बहुत ही कमी हो जाते हैं। तो बस बेसन का चिला बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, उसमें डाला है नमक, साथ में डाला है चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा मैंने डाला है, हल्दी डाला है, नमक डाला है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको मिक्स करना है। और देखिए, अभी इसका ये बैटर हो गया है तैयार, उसको मैंने रख दिया है साइड में। और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय में आज मैं तुलसी भी डाल रही हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मेरे गले में हल्का सा दर्द भी हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसमें तुलसी डाली है और ढेर सारी डाली है अदरक। और बस दूध डाल के अभी चाय मेरी हाफ कुक हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ चिले। तो बस पैन में मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रीस कर दिया है, और इस तरीके से स्मॉल पोर्शन लेके हम चिले बना लेंगे। तो मुझे पतले चिले अच्छे लगते हैं, तो मैं पतले बना रही हूँ। और बस इस तरीके से फैला देना है और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। तो चिले जब भी आप पैन में डालें तो पैन अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया हुआ है। दोनों तरफ से हम इस तरीके से इसको सेक लेंगे। और बस अभी मेरे चिले भी बनके हो गए हैं तैयार और चाय भी बन गई है, और इसको हम इंजॉय करेंगे केचप के साथ। तो चिले मैंने निकाल दिए हैं, चाय भी बन गई है, चाय को हम छान लेंगे और अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं घर के जो भी काम है वो मैं ख़त्म करूँगी, और थोड़ी देर टीवी वगैरह देखने के बाद मैं अभी मैं हो गई हूँ तैयार बाहर जाने के लिए। तो मैं कॉफ़ी बनाने जा रही थी, कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि दूध काफ़ी सारा रखा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि आइस तो मैंने अभी अभी लगाई है फ्रिज में, तो वो तो अभी तक जमी नहीं है, तो इस वजह से फिर कॉफ़ी मैं नहीं बना पाई। तो अभी बस मैं आ गई हूँ अपनी सोसाइटी की पार्किंग में। तो जो पार्किंग है सोसाइटी से बाहर जाकर है, तो बस अभी हम निकल रहे हैं। और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि जो मुझे दिल्ली में है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। तो बस अभी हम निकल चुके हैं, और गुड़गांव से मुझे दिल्ली जो भी एक्सप्रेस वे बना है उससे पहुँचने में मुझे 32-35 मिनट लगते हैं। तो बस अपना काम हमने ख़त्म कर लिया था, उसके बाद में हम आ गए हैं मॉल। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ समर्स का अगर अच्छा सा कुछ कलेक्शन हो तो कुछ कपड़े वगैरह लिए जाएँ, बट इतना मुझे कुछ खास मुझे यहाँ पर कलेक्शन दिखा नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो फिर यहाँ पर घूमने के बाद फिर मैं चली गई थी स्पार, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी का भी कुछ सामान मुझे लेना था, तो लिस्ट मैं घर से ही बनाकर लाई थी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ इस पार में, और यहाँ पर भी इनका भी रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिस वजह से जो स्टॉक है वो बहुत ही कम था। काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट में ऐसी थी जो कि मैं ले नहीं पाई, क्योंकि वो थी नहीं यहाँ पर। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिल गई तो वो मैंने ले लिया, और बाकी का जो भी सामान बचा हुआ है मेरे घर के पास में जो रिलायंस है फिर मैं वहाँ जाकर लूँगी जाके। और जैसे हम मॉल से बाहर निकले तो मौसम बहुत ही अच्छा होने लगा, इतने काले बादल आ गए थे, हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश ज़्यादा तो नहीं आई हुई, लेकिन मौसम जो था वो ऑल ऑफ सडन बिल्कुल चेंज हो गया था। और इतने सारे सूखे सूखे पत्ते बिल्कुल सड़कों पर फैले हुए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूवी वगैरह शूट हो रही है, और पत्ते इस तरीके से उड़ रहे थे जो कि देखने में बहुत ही अच्छे रहे थे। तो जब मैं दिल्ली रहती थी तो इस पार्क में हम वीकेंड पे तो आते ही आते थे, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो हम एवरी सैटरडे संडे सुबह ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह दिन में करके हम इस पार्क आ जाते थे, और विंटर्स में यहाँ आराम से बैठ के धूप वगैरह सेकते थे, गेम वगैरह खेलते थे, शाम को फिर वापस चले जाते थे। तो आज जैसा कि मैं दिल्ली आई थी, मौसम हो गया था बहुत ही अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पार्क में जाऊँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और ये एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोज़ लगे हुए हैं, और हर एक कलर के रोज़ हैं
यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ब्लैक नहीं है, ब्लू नहीं है और ग्रीन नहीं है, बाकी के सारे कलर के रोज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। और विंटर्स में तो यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक रहती है कि जो भी ये एरिया मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, ये सारा का सारा फूलों से भरा होता है। बट क्योंकि अभी सीज़न जा चुका है फूलों का, तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ फूल लगे हुए हैं और बाकी के हटा दिए गए हैं। और ये पार्क बहुत बड़ा है, और कोविड के टाइम पे जब हम लोग कभी कभी यहाँ आते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कम लोग घर से निकलते थे, बट घर पे रह रहे के भी हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो कोविड के टाइम पे हम पार्क आ जाते थे और इस पार्क में कोई भी नहीं रहता था। और यहाँ पर मोर इतने सारे थे, जो कि मोर यहाँ पर नाचते थे और बहुत सारी बर्ड्स की यहाँ आवाज़ आती थी। और आज भी जब हम अभी आए हैं तो अभी इस पार्क में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था यहाँ पर, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था, इस वजह से मैं आई थी, क्योंकि बीच बीच में अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी, इस वजह से लोग अवॉइड ही कर रहे होंगे दिन में जाना। लेकिन शायद मौसम अभी अच्छा हो गया है, तो हो सकता है कि अब लोग धीरे धीरे आना शुरू करें। तो यहाँ पर इतने सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही सारे, और गुलाब तो यहाँ पर इतने सारे हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ इस पार्क में। अभी ये जो मेन एंट्रेंस है, तो अभी यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बड़े बड़े ट्रीज़ लगाए हुए हैं, और ट्री के नीचे का जो स्पेस होता है वहाँ पर इन्होंने देखिए इस तरीके से राउंड शेप में सारे फूल लगाए हुए हैं। तो ये इस तरीके का कुछ पाथवे इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर रनिंग वगैरह भी करने लोग आते हैं, और विंटर्स में तो यहाँ बहुत ही रौनक रहती है, बहुत सारे बच्चे, उनके जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग यहाँ आते हैं, गेम खेलते हैं, और विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। तो ये देखिए इस तरीके की क्यारियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी चौड़ी चौड़ी क्यारी हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोज़ लगाए गए हैं, और हर एक कलर के रोज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ जो रोज़ हैं ये बिल्कुल बंचेस में खिलते हैं, तो ये देसी वाले नहीं हैं, ये जो इंग्लिश वाली वैरायटी होती है ये वो वाले रोज़ हैं, क्योंकि देसी में इतना ज़्यादा बड़ा फूल और इतना बंच में नहीं खिलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रोज़ लगे हुए हैं ये सारे के सारे इंग्लिश वाले हैं, और कभी कभी तो एक एक ब्रांच में इतने सारे रोज़ लग जाते हैं कि उसकी ब्रांच है वो नीचे गिर जाती है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये एक ब्रांच है, इसमें सिर्फ एक ब्रांच में इतने सारे फूल खिले हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बुके है, बिल्कुल बुके जैसा लग रहा है ये देखने में। तो विंटर्स में तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे कि अभी तो गर्मी भी पड़ने लगी है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ फूल जो हैं वो सूख भी रहे हैं। तो ये देखिए ये पार्क काफ़ी बड़ा है, और इस तरीके से पूरे पार्क में चौड़ी चौड़ी क्यारियाँ बनाई हैं जहाँ पर ये फूल इस तरीके से खिलाए हुए हैं। तो ये पार्क पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जब भी मैं दिल्ली थी तो मैं फ्रिक्वेंटली मैं इसमें आती थी, और अपना लंच वगैरह ख़त्म करके वीकेंड्स पे हम आ जाते थे। और अभी मेरे हस्बैंड पार्क में कुछ दो तीन बच्चे थे तो उनके साथ में वो खेल रहे हैं, तब तक मैंने बोला कि तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप तब तक उनके साथ आप इंजॉय करो, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था और एक दो फैमिलीज़ और भी आ गई थी, क्योंकि वेदर अच्छा हो रहा था तो इस वजह से लोग फिर दिन में निकल गए थे घर। तो इस पार्क में मैं जब पहुँची थी उस टाइम पे 3:30 बज रहा होगा, तो वैसे भी शाम होने लगती है तो वेदर वैसे भी सही होने लगता है, और आज तो वैसे भी सही ही था वेदर। तो ये देखिए ऑरेंज कलर के फूल खिले हुए हैं, और ये वाइट वाले भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये देखिए कितने सारे ये क्वांटिटी में खिलते हैं, बहुत ही सारे, जिधर भी आप इधर नज़र घुमाएंगे हर तरफ आपको सिर्फ फूल और फूल दिखेंगे यहाँ पर। तो विंटर्स में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको ये सारी समझ नहीं होती है, जब फूल और नेचर हमें इतना अट्रैक्ट करता है तो बच्चों को तो कितना ज़्यादा करता होगा, तो बच्चे यहाँ पर फूल तोड़ते भी हैं। तो यहाँ पर जो भी गार्ड हैं वो 2-3 गार्ड यहाँ पर ड्यूटी पर रहते हैं, ताकि कोई भी अगर फूल तोड़े तो उनको मना करते हैं और पूरी नज़र रखते हैं उन पर। और यहाँ पर शेडेड वाले गुलाब भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि अभी आपने देखा वाइट और पिंक में, ऑरेंज में भी शेडेड था, तो इस तरीके के शेडेड वाले रोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये पार्क बहुत ही बड़ा है, और अभी हल्की हल्की धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई है, तो अभी फिर हम वापस निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि पूरा तो घूमना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट कुछ कुछ मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके रोज़ेस लगे हुए हैं, और इसी तरीके के रोज़ पूरे के पूरे पार्क में लगे हुए हैं। ग्रास बहुत अच्छे से मेंटेन करी है, ग्रास यहाँ पर आपको बिल्कुल कटी हुई दिखेगी, कहीं पर भी बड़ी ग्रास नहीं देखेगी। और ये है डालिया, तो इस बार इन्होंने अंदर ये थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाया है, अदरवाइज हर बार ये क्या करते थे, गेट का जो मेन एंट्रेंस है ये वहाँ पर इन फूलों को लगाते थे, बट इस बार इन्होंने सिर्फ यहाँ पर लगाया। जो बड़े बड़े ट्रीज आपको दिख रहे हैं बाउंड्री के चारों तरफ, वहाँ से पार्क खत्म हो जाता है।
और पार्क में कुछ न्यू न्यू चीज़ें भी ये लोग कर रहे हैं, फाउंटेन वगैरह भी बना रहे हैं, तो उसका काम अभी चल रहा है। तो बस अभी फिर हम निकल रहे हैं घर के लिए वापस, क्योंकि धूप आनी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और कल फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है, तो इस वजह से टाइम से फिर अभी घर भी वापस जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल से मंडे से फिर से काम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का पार्क है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी। और द्वारका में जितने भी पार्क हैं उनकी यही खासियत है कि फुली ग्रीन है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन एरिया है वो द्वारका का ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी के अंदर तो पार्क होते ही होते हैं, और उसके अलावा DDA ने बाहर भी बहुत सारे बड़े बड़े इस तरीके के पार्क बना रखे हैं। तो ये जो रोज़ गार्डन है, इसके बगल में भी एक बहुत बड़ा पार्क है और वो इसके साइज से जस्ट 3 गुना है। तो बस अभी हम निकल गए थे पार्क से और रास्ते में मुझे दिखा ये आम वाला, तो अभी फिर मैं ले रही हूँ इससे आम। तो ये सीज़न का पहला आम है जो कि मैं ख़रीद रही हूँ, और देखते हैं कैसा निकलता है, मीठा होता है या नहीं, क्योंकि देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, अब घर जाके पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। तो बस अभी आम मैंने ले लिया है और अभी हम आ गए हैं गुड़गांव। तो ये है मेरे घर के पास में एक छोटा सा मॉल, तो कुछ शाम को कुछ थोड़ा सा खाने का मन हुआ, कुछ इवनिंग स्नैक्स वगैरह, तो हमने सोचा यहाँ चल के थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है बर्गर और साथ में है रैप, तो मैंने पनीर रैप और पनीर बर्गर मैंने ऑर्डर किया है। तो अभी जो बर्गर है वो तो बन गया है, अभी हम बर्गर खाएँगे एंड देन उसके बाद में फिर पनीर रैप खाएँगे। और हम लोग यहाँ पर खा रहे थे, मेरे हस्बैंड को मिल गए उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ जो कि अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए थे। तो फिर थोड़ी देर हम लोगों ने उनसे बात वगैरह करी, वो भी यहीं पर ही रहते हैं। और ये देखिए ये जो मॉल है छोटा सा, इसके बाहर भी इतने सारे रोज़ लगे हुए हैं, तो आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे आज रोज़ डे है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोज़ ही रोज़ मुझे देखने के लिए मिल रहे थे। और ये वाले जो हैं ये देसी हैं, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इनकी, जब मैं वहाँ से निकली तो अचानक से इनकी खुशबू आ रही थी, मैंने देखा तो यहाँ पर ये रेड और वाइट कलर के लगे हुए थे मॉल के बाहर ही, तो मैंने फिर इनको भी शूट कर लिया। और इतने सारे फूल और पेड़ पौधे देख के मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ खरीदूँ। तो बस यहाँ के बाद अब हम जाने वाले हैं नर्सरी, क्योंकि मुझे लेने थे सदाबहार। लास्ट टाइम मैं नर्सरी गई थी बट सदाबहार के पौधे वहाँ पर नहीं थे, तो इस वजह से मैं पुदीना लेकर आई थी, तो उन्होंने बोला था कि 20 से 25 दिन में आ जाएंगे, तो अभी 1 महीने के करीब हो चुका है। तो बस अभी यहाँ से नर्सरी रास्ते में ही पड़ता है, जब मैं अपने घर जाऊँगी तो वहीं रास्ते में नर्सरी पड़ेगा, तो वहाँ पर ही एक बार चेक कर लेंगे, अगर होंगे सदाबहार के प्लांट्स तो वो फिर हम ले लेंगे। तो बस अभी मैं पहुंच गई हूँ नर्सरी, और ये मेन एंट्रेंस पे ही सदाबहार लगा रखे हैं, बट बहुत छोटे छोटे पौधे हैं इसके तो, और ये लगे भी हुए हैं लाल मिट्टी में, क्योंकि ये जितने भी प्लांट्स हैं सारे पुणे से आते हैं, तो पुणे की जो मिट्टी है वो रेड है, तो सब उसी में लग के आते हैं। और रेड मिट्टी में क्या होता है कि जो पानी है वो रुक जाता है, जिस वजह से प्लांट्स भी ख़राब हो जाता है। और ये जो प्लांट्स थे सदाबहार के इतने छोटे थे कि इसमें फूल भी नहीं खिले थे, तो पता नहीं चल पा रहा था कि किस प्लांट्स में कौन से फूल खिलेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या अभी लेना है, और जो भी मैं लूँगी वो अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड़ पौधे ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड।